कल, आज और इकल, ये तीनों मंजिल के आपस में गहरा संबंध है। माने कि जो भी हमने आज करेला जा और जो भी गुजरल दिन में करले रनी जा, यही हमने के भविष्य के आकार बनावेला। ऐसा ही एगो कहानी है कविराज बंजन के, जो देश के दक्षिण जिला में रहेलन आज तक। हमारा एजुकेशन होल बा रॉबर्ट एडवर्ड हार्ट में प्रीमियर। तो रॉबर्ट एडवर्ड हार्ट में जब रली तो हम पहला फर्स्ट में जब घुसली तो हमार मिस्टर हल आदम हमके बहुत याद बा। हमार बाप एगो पुस्तक किने रहल, माई पिक्चर बुक, तो है हमार पहला पुस्तक रहल रॉबर्ट एडवर्ड हार्ट में। तो है पुस्तक में खाली पिक्चर रहल, खाली देशन रहल, तो यही खातिर हम देशें से संबंध जोड़ ली। देशें है देशें देख के पुस्तकवा में तब घरे आए तो देशेंवा कर ली पुस्तकवा के। मिस्टर जोन्स, मिसिस जोन्स है सब रहल, तो बहुत ही सुंदर पुस्तक रहल। तो अभी ले है पुस्तक हम रखले हैं। कविराज ई लड़का के सपना, ओकर इच्छा और इस शौक त अब एगो महत्वपूर्ण कदम पर आये 1982 में, जब कविराज मौका पहुंचन एमजीआई के कला विभाग में प्रशिक्षण प्राप्त करे। बहुत से ज्ञान मिलल, बहुत से कनेक्शंस मिलल हमके। तब हम देशे करत रही, तब टेक्निक नहीं रहल, तो एमजीआई में हमार मिस रहल लकी नारायण नागालिंग मूर्ति नागालिंगम रहल हेबर डिपार्टमेंट, माला चमन और दोसवा और सब रहल वहाँ पर। तो हमके अंकादरे करलन सा, हमके ज्ञान देलन सा, हमके बहुत टेक्निक देलन सा, कैसे स्कल्पचर करे के, कैसे कास्टिंग एंड मोल्डिंग करे के, कैसे वो प्रिंटिंग करे के, तो हम सब सीखली एमजीआई में। ओ बखत कविराज की जिंदगी आसान नहीं रहा, वो बहुत कठिनाई के सामना करके कला के ज्ञान प्राप्त करलन। एगो समय जब गांव में कला के कोई गंतिये नहीं रहल। हम जब मोताए जाते रहली सा लकड़ी टूरे पकावे के घर, तब हम कैसे बोले जरा वो लाते है क्ले, तो हम क्ले लेके आनब और दिया बनाब, अब बेचब दिया, तो छोटे ही से हम ये सब कर ली है। अब बकरी रहल, गाय रहल, हम बकरी पोसली, सहायता दे ली हमार माँ बाप के। हम पाचीगाज कर ली, जब पाचीगाज करत रही तो हम अपन अपन पुस्तक अपन देवो करत रही पाचीगाज में। बकरी लोग वही करते हैं, तो हमार देशें करते हैं और हमार देवो करते हैं पाँची राज। तो है जमाना दूसरा रहा, कबो कबो गाय के लेके ही सफा करते हैं। तो जब एमजीआई आवत रही तो उ दिन वहाँ गाय रहल, हम गाय सब के लेके ही सफा करके हमार स्नैक में आलिम बेच के है पैसा लेके हम ट्रांसपोर्ट एमजीआई में है। सुरीनाम के छोटा गांव के कविराज तब बड़ा हो गए लन, हाथ में चाबी मिल गई, माने कि कला में एडवांस्ड सर्टिफिकेट। अब पहुंच लन पोर्टविज शहर में, एगो एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम लग गए। तो हम गए ली वहाँ पर 3 साल काम कर ली, वहाँ रहल डायरेक्टर विनोद शुक्ला, तो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन रहल, बहुत ही क्रिएटिव रहल। तो हम सीखली एडवर्टाइजिंग प्रयाग में, तब वहाँ पर ही हमार इंटरेस्ट हमार जो छोटा छोटा कार्टून जोन है, छोटा छोटा चित्र हम बनाएला, तो वहाँ वो इंटरेस्ट हमको मिलल। एगो चित्र बना के दीवार पर लगा के अब चित्र के देखबा, चित्र तोहरा देखी कुछ सोचबा, बाकी चित्र त स्थिर और गूंगा है चुप रहेला। तब अब चला देखे कैसे चित्र में जान डाल जाला, कैसे उ चली
धोगी, मो या कपार कहलाए। इ तरीका के कार्टून एनिमेशन बोला जाला। मूल रूप पर एगो आदमी बोलेला त ओकर मुंह चलेला, बंद होला, खुलेला, फिर से बंद, ऐसे ही चलते जाला। त चित्र में जहां मुंह बंद बा और उ पिछल का चित्र जहां मुंह खुलल बा, बीच में सकल जाला 5, 10 या 25 तस्वीर बनाई। एक अगो तस्वीर जब तेज गति से चली त ऐसे ही लगेला कि मुआ बोलता। पीछे में एगो आवाज दलाए त ई एगो छोटा सन कार्टून बन जाला। ई तेज से जब चलेला त आंख के धोखा देवेला और एके परसिस्टेंस ऑफ विजन भी बोलल गेल बा। इही खातिर सिनेमा के फिल्म इतना मोटा मोटा रील में आवेला, लगभग 200,000 चित्र रहेला एगो फिल्म में। हम ये सोचते हैं कि जब फाइन आर्ट्स में हम देसे करते थे तो ये एगो साइलेंट आर्ट है। तो मॉरिशस में जो आदमी लोग हवन से हैजा पड़ी तो साइलेंट आर्ट के बहुत बहुत ही कठिन बा मॉरिशन लोग के इंटरेस्ट का ले आने के। तो हम का सोचनी, हम सोचनी के जो छोटा छोटा बच्चा है हवन से तो वो कार्टून में इलस्ट्रेशन में इंटरेस्ट हुआ था। तो यही खातिर हम कार्टून इलस्ट्रेशन शुरू कर ली। कविराज छोटा ही से फिल्म के दुनिया से दिलचस्पी रखत हलन और ई दुनिया से उनकर लगाव इतना रहल कि वो कुछ न कुछ प्रयोग करते रहत हलन। सिनेमा रहल, हम सब फैमिली सामदी के से सिनेमा जात रहली सा। तो वहाँ पर वहाँ एगो प्रोजेक्टर रहल। तो जब लौथाक रहल सिनेमा में तब हम जात रही छोटा छोटा फिल्म जो टूटल फूटल फिल्म जो रहल तो बटोर के हम घरे ले आब। तब उ फिल्म पर हम स्क्रैच करब, हम डिसने करब पिन से कुलू से तो छोटा छोटा जैसे हम कर ली। तो है हाउ फिल्म जब हम एगो प्रोजेक्टे बनैली अपन से एगो कूले डलनी तब एगो टोस डलनी तब प्रोजेक्टे करनी तब बहुत ही सच फाको मिलल हमके। तब दिनवा से हम ये पैशन जो है ये कार्टून इलस्ट्रेशन ये चित्र को आगे बढ़ाना मूवमेंट करना तो हमारा पैशन बन गया छोटे से। चली सा कार्टून के दुनिया में फिरो से। अब देखा टेक्नोलॉजी के दुनिया में माना कि 300 चित्र बनेला के बाद ही एगो 10 या 12 सेकंड के कहानी बनेला। पर आगे के समय के तरीका में वो सब चित्र कागज पर बनावल जात रहल, फिर से हर एगो चित्र के फोटो कैमरा से निकालल जात रहल। अब प्रोसेसिंग के बाद एगो लंबा फिल्म मिलेला। ए फिल्म के प्रोजेक्टर में खेलल जाला, आवाज के बिना एगो छोटा पिक्चर बन गयल। बकिर ई भी जानल कि प्राचीन काल ही से मनुष्य चित्र जो बनेले बा गुफा के दीवार पर उमे बहुत तांग डालल जात रहल जानवर लोग में, जैसे कि उ बुझाए कि उ जानवर दौड़ता। 16वीं सदी में लियोनार्डो दा विंची कुछ तरीका बतेले रहलन। फिरो से 19वीं सदी में कुछ काम होइल बा चित्र के घुमा घुमा के। मानल जाला कि जनता के एगो पहल का एनिमेटेड कार्टून फ्रांस में शॉल एमिले रेनो बनेले रलन। दुगो और नाम याद करे के चाहे, एमिली कॉल और विंसो मैके।
ई लोग भी रास्ता बतेले हवन जा एनिमेटेड फिल्म कैसे बनावा जाला। बहुत महान लोग खोज और काम कर ले हवन जा इस दिशा में। 1920 के बाद 1960 तक एनिमेटेड कार्टून बहुत ही प्रचलित हो गए। बड़ा बड़ा नाम बा फेलिक्स द कैट, टॉम एंड जेरी, डोनाल्ड डक, पिंक पैंथर, वुडवुड पैकर आदि आदि। कौन लेका नहीं जाने लाई लोग के? अभी हम हमारा ड्राइंग लाइन ड्राइंग करते हैं तो लाइन ड्राइंग में बहुत प्रेसिजन चाहेला क्योंकि कार्टून जो है वो रफ स्केच करे के चाहेला उसके ऊपर जो लाइन प्रेसिजन ड्राइंग जो बनाते हैं तो उस रफ स्केच पर बनाते हैं। तो कभी कभी कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो एक लाइन में वो मिलता है वो लाइन वो स्केच। तो टेक्निक जो है वो पेन एंड इंक। अब के ज़माने में क्या हुआ था तो जो ट्रेडिशनल आर्ट रहल हैंड ड्राइंग तब अब कंप्यूटर नया टेक्नोलॉजी पर अडाप्ट कर रहे हैं सर। तो हम दोनों से काम कर ला ट्रेडिशनल भी और नया तकनीक भी। तो बहुत ही कठिन है दोनों के थे मर्ज करने के। तो ये जो ड्राइंग्स है ड्राइंग्स को फिल्म बनाने के लिए मूवमेंट करने के लिए ये सीक्रेट है जो है बिटवीन द ड्राइंग्स। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट बिटवीन व्हाट हैपेंस बिटवीन द टू ड्राइंग्स दैट इज इम्पोर्टेंट। सो द मूवमेंट ऑफ द ड्राइंग्स। सिनेमा के बाद कविराज के अपन पहला टीवी सेट से कुछ यादगार घटना बा। वो आज तक ये सब याद करेलन जैसे वो काले के बात है। ये घटना फेरो से कार्टून ही से मिलल जुलल बा। हमारे घर में टेलीविजन नहीं रहा। जब पहला टेलीविजन हमार माँ हमार बाप खरीदलक लापोट के टेलीविजन कटलापात पर रहा तो अभी ले टेलीविजन बा। तो जब हम वो टेलीविजन खोल ली तो जब बर्ली तो हम ही बर्ली हम ही इनोग्रेशन कर लिए टेलीविजन के घर में तब बर्ली तब बैटमैन रहा बैटमैन नोआ ब्लॉन्ग। तो हम बोल थी क्वेश्चने कर थी तो हई बैटमैन वहाँ कहाँ से आल वो एगो आदमी नहीं है एगो देशे है हम जानी ला देशे करे तो हई वो जीवित है बैटमैन कहूँ बा। तो हमार बाप से बोल पूछली देखत हो बैटमैन वहाँ कहाँ बा कहाँ रहेला बैटमैन हम उसे भेंट कर तो हमार बाप बोले नहीं भाई देशे हैं। तो हम बोले देशे हैं। देश के स्वतंत्रता से हर एक समय में बहुत से लेखक कवि चित्रकार या फिल्म निर्माता के प्रेरणा मिलने आयल बा। हमनी के कविराज बंजन जी पर भी ऐसन प्रभाव पड़ल बा। और कुछ कलाकार से सहायता से चित्र बनैलन और उनकर भाई जय जो फिल्म मेकर हवन ओहो तकनीकी सहायता देलन एगो छोटा कार्टून बनावे के। शीर्षक रहल लेडूज मॉस। 3 महीना में हम बनेली है फिल्म तो एगो टीम रहल पांच कलाकार पांच इलस्ट्रेटर्स। तो एगो बीगो रहल हमके हमार बीगो रहल पोलवी में। तो हम और पांच जना हम फिल्म बनेली है सर। तो 2400 ड्राइंग्स करले है सर पांच जना बैकग्राउंड है सब करले है सर। तो हम हई फिल्म बनेली है सर। तो हई फिल्म अपने से नहीं बनी हमार भाई जो है जय भंजन वो सिनेमा में सिनेमा को इंडिया में सिनेमा स्टडी किया है डिप्लोमा इन पुणे इंस्टीट्यूट। तो उसने ये फिल्म कॉन्सेप्ट किया और डायरेक्ट किया और स्टोरी बोर्डिंग हमने किया और जो कैरेक्टर डिज़ाइन जो है ये हमने किया और लावालनिंग हमारे साथ ये काम किया। और रहल पार्थिव श्याम इसलिए शैला मदनामुतु लावालनिंग और हम
और एक जय जय भंजन में मिलकर और वर्चुअल चिचोर हॉल टेक्निक के लिए वो साउंड और टेक्स्ट डालने के लिए वर्चुअल चिचोर हमारे हमारे हमारा सहायता किया। Monsieur le petit bitor, ce n'est pas drôle. कैसे बने लिसा तो सीन सीन लेके एवरी सीन लेके पहुँची पहुँची हम बने लिसा तो एनिमेशन जो है ये गो लॉन्ग प्रोसेस है तो ये ओवरऑल फिल्म जो है दिमाग में कॉन्सेप्ट करीला सा मूवमेंट जो कराते बा फिल्मों में हम चाहिला इसको कौने करके तब वो कराते हुआ के लाइफ देप सा ड्रॉइंग में तब तो 2400 ड्रॉइंग्स अप्रोक्सीमेटली हम कर ली सर तो ईच सीन से लेकर तब हमने बनाए हैं ये फिल्म। Notre brillant monsieur le Peter, peut-il nous dire qui est le père de la nation? एनिमेशन के टेक्निक जो है वो मेन की ड्रॉइंग्स जो है और इन बिटवीन तब की ड्रॉइंग कर ली जब एगो हाथ हैजा पड़ी हाँ तो हैजा पड़ी एगो हाथ था दो गो हाथ तो हम हैजा पड़ी एगो हाथ देसने करब तो हैजा पड़ी एगो हाथ देसने करब तो इन बिटवीन जो है दलियन सर तो ऐसे होता तो बैकग्राउंड अति जो है स्टैटिक है कभी कभी बैकग्राउंड मूवमेंट चाहिए तब सम बैकग्राउंड ऑर्टिस्ट मूवमेंट डाले लग सर तो ऐसे को बड़का लेजिस्टी है तो हम सोचते थे कि मोरिसवा में इस छोटा टापू में काहे हम रोज़ हम फिल्म देखते हैं टेलीविजन में मांगा है सब देखते हैं सर तो काहे नहीं लोकल की फिल्म बना सर एगो कार्टूनिस्ट जो है वो एगो एक्टर चाहेला हो के तो वो कैरेक्टर डिजाइन जो कर ले बा वो कैरेक्टर अपन एक्टिंग अपन फैशियल एक्सप्रेशन अपन जेस्चर ये कैरेक्टर में डल ले बा तो है कैरेक्टर जो स्क्रीन में देखबे तो जोली जोली लगी था क्योंकि है आर्टिस्वा अपन से अपन का बोल है एगो पर्सनल थिंग है एगो पर्सनल चीज है ईच पर्सन ईच आर्टिस्ट हैज़ अ पर्सनल कैरेक्टर तो हम देखब सर वर्ल्ड डिज्नी जब डेंगो एगो आर्टिस्ट कर ले बा डेंगो एगो आर्टिस्ट वर्ल्ड डिज्नी मिके माउस बने ले बा अपन 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 आवाज़ से मिके माउस के आवाज़ दिलक तब मिके माउस हो गल तो ऐसे एक बहुत ही बहुत ही ग्रेट आर्ट है एनिमेशन तो है पैशन जो है एगो विरिश लिखन है जब आपको धर ले लगता तो जिंदगी भर आप ऐसे नहीं रह तो एगो विरिश है जो कार्टून तो जहाँ जहाँ भी जेब तो एगो मूवमेंट देखब तो एगो एगो सीन एगो सीन देखब तो कार्टून में करब। 25 साल से कविराज ई कला के दुनिया में तैरते आवत हन और हर एगो बाधा के सामना करलन। आज के जमाना तब बदल गेल बा, एकर बावजूद हमनी के जवान कलाकार के कोनो न कोनो उपदेश या सलाह देवत हवन। बहुत सी फैसिलिटी मिला था नौजवान लोग के, टैबलेट बा, कंप्यूटर बा, सब कुछ बा, तो हम एगो एडवाइस देवत हैं नौजवान लोग के, खाली कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर रेस्ट नहीं, कुछ मैनुअल क्रिएटिव काम करियन सा, तो खूब सोचियन सा कैसे कर जाला काम कम हुआ, एगो काम जो करबे तो दिल से नहीं करबे, पासियों से नहीं करबे तो ई कमवा तो से नहीं जाए तो कमवा मंजने हो के ई कमवा छोड़ देवे तो जब पासियों हो दिल से लामू से काम करबे तो बहुत चीज हो।
कविराज वाटर कलर तरीका पसंद करेलन काम करे के। ई तरीका उनकर सोच विचार से कुछ मेल कुछ संबंध बा। वाटर कलर जोन है वो ट्रांसपेरेंसी जोन है, ट्रांसपेरेंसी जो एगो कलर ऐसे पेंट करब कागज पर तो उ कलरवा उ ट्रांसपेरेंसी जोन है, एगो दूसर कलर जब पेंट करब तो उ कलर ट्रांसपेरेंट हो जाता, तो यही खातिर हम ट्रांसपेरेंसी के खुशी है, क्योंकि जो जो आदमी में ट्रांसपेरेंसी होला तब सब रियलिटी होला, सब ट्रूथ होला। जब ओपासिटी होला तब कुछ हिडन थिंग्स, तो यही खातिर हम खुशी रहेला। नहीं बोलते हैं कि ग्वास नहीं नहीं खुशी रहेला, ग्वास तो खुशी रहेला, क्योंकि ग्वास सब मेलांजे करे और टेक्निकवा डिफरेंट होता और न्यूंस ढेर बा, और इच मीडियम हैज इट ओन वैल्यूज। हम ढेर प्रदर्शनी नहीं कर ली, शुरुआत से पहले डिजन कर ली और जर्मनी में पेंटिंग प्रदर्शनी कर ली और लागेनियों में कर ली, वो लेगो धीरे धीरे बा तो सोचनी काहे नहीं वहाँ जाब प्रदर्शनी करे। तब कुछ कुछ कंट्री में हमारे पेंटिंग हमने बेचे हैं। कविराज के ई सोच है कि कलाकार एगो अलग तरह के इंसान है, वो बिन सोचे बिन कुछ मांगे अपन परिवार के अपन गांव के और अपन देश के भी कुछ न कुछ फायदा के काम कर देवेला। कवि नहीं है सर तो हम डिसने कर ना सर, हम लाइव एक्शन एज इट इज मॉरिशस एज इट इज डिसने कर ना सर, तो हमर विचार में जब जे एक एगो अतिश पैदा होल एगो इस देश में तो ओकर वाले दूसर बा, ई देश के चित्र बनावता, वो टूरिस्ट कीनता और ओकर घर में लावत ध्यानता देवाल पर ऐसे लगावता, तो काहे ऐसे आर्टिस्ट के हम प्रमोशन करे थे सर मॉरिशस के, तो ये जो है टूरिस्ट जो सालों में बैठा था बहुत सुंदर तस्वीर कहाँ से किन ले, तो मॉरिशस में किन ली, तो जब ये बोली है मॉरिशस ये प्रमोशन नहीं है, ये टूरिज्म प्रमोशन नहीं है। भविष्य में कविराज के कुछ परियोजना बा कपार में, कबो ने रुकेलन, हमेशा कुछ न कुछ में लगल रहेलन, यही आगे बढ़े के राज है जिंदगी में। छोटा छोटा फिल्म भोजपुरी में छोटा छोटा जो होवत रहल आगाड़ी में, कैसे ओखली पिस ओखली मुसर और चक्की पिसत रहल नानी गोनी डाल के आंबा फौते में, तब सब लड़का ऐसे बैठ के ऐसे मकई चक्की में डालत रही सर, तब हम चक्की पिसत रही सर, एगो फन रहल ना, तो अब चक्की कहाँ बा, वाह तो एगो डेकोरेशन हो गल बा एगो कोना कोना में एगो गार्डन में एगो कंसिंग, तो कोई नहीं कुछ चीज़ें करता था ना। डोडो के ये एगो खोजे है, हम सोचते हैं मॉरिशस में जे हम रहब तो हजा पर ही हमारे जन्म होल, हम विचार करते हैं तो हजा पर ही हम मर जा, हम जे प्रोजेक्ट है डोडो के तो हम हजा पर ही बनावा।